जनपद देवरिया में मदनपुर कस्बे के मनोहरापुर निवासी दीपक सिंह पुत्र संत प्रकाश सिंह ने अपने साथ हुई घटना को लेकर देवरिया पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंप कर न्याय की गुहार लगाया है, जिसमें दीपक सिंह ने बताया कि दिनांक 16/5/2021 को करीब 6 बजे के आसपास एचएफ डीलक्स बाइक सवार 3 व्यक्तियों ने 12 चौराहे के पास मेरी बाइक को रोककर मुझसे मारपीट कर मुझे घायल कर दिया और हमारी पर्स को लेकर फरार हो गए, जिसमें 5600 रुपये नगद था, जिसकी सूचना मैंने मदनपुर पुलिस को दी, लेकिन आज 10 दिन बीत गया है, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही तो अब तक मुकदमा दर्ज किया गया है। मदनपुर एसओ द्वारा बार बार तहरीर बदलने का हम पर दबाव बनाया जा रहा है। मैं निराश होकर 25 मई को देवरिया पुलिस अधीक्षक को मेरे द्वारा प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। क्या मामला है आपका? करीब भैया 10 दिन हो गए हैं। मैं 10 दिन पहले मैं सलेमपुर से अपनी साइड से मैं अपने गांव मोहरा आ रहा था। मदनपुर के साथ 4 लड़कों ने मुझे पहले रोका है, उनसे मेरे मतलब गाली गलौज हुई है। उसके बाद भराव चौराहे पर जब मैं अपने घर जाने के लिए मोहरा जाने के लिए जब मैं रुका हूँ, तो उन लोगों ने मुझे 4 लोगों ने रोक करके मुझे रॉड से मारा है। ये देखिए अभी तक मेरा निशान ये पड़ा हुआ है, मेरा हाथ ये देखिए अभी तक फटा हुआ है, हाथ में स्वेलिंग देखिए, मेरा हाथ अभी तक नहीं चल रहा है। इसकी मैंने सूचना मदनपुर थाने में दी, वहाँ के साहब से मैंने, बड़े साहब से मैंने बोला कि सर मुझे न्याय दिलाइए, तो सर वो मुझसे बार बार कह रहे कि आप अप्लीकेशन आप चेंज करिए। तो सर मैं अपनी अप्लीकेशन नहीं चेंज करूँगा, मुझे सर न्याय चाहिए, इसलिए आज मैं देवरिया में मेरे जेब में मेरा पर्स था, उस पर्स को मुझे छीना गया, उसमें 5650 रुपये थे, जो कि मैंने अप्लीकेशन पे मैंने वहाँ पे भी दिया हुआ है। वही बार बार वो कह रहे हैं कि इसको आप ये चेंज कर दीजिए, आप इस अप्लीकेशन को आप चेंज कर दीजिए। अभी आप कहाँ हैं, क्या चाहते हैं? अभी मैं न्याय चाहता हूँ सर कि मेरा मुकदमा लिखवाया जाए। मैं इसलिए मैं देवरिया में SP साहब के ऑफिस पर आगे खड़ा हूँ और सर मैंने अप्लीकेशन लेकर के आया हूँ। मैं सर से उम्मीद करता हूँ सर मुझे न्याय दिलाएंगे, सर मेरे उन लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाएंगे। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? दीपक सिंह मेरा नाम है, मैं मोहरा का रहने वाला हूँ। क्या हुआ था दीपक सिंह के साथ उस दिन रात में? करीब 6:30 बजे के आसपास में तीन लोगों की संख्या में 2 आदमी पकड़ा हुआ था और एक आदमी जो है 5 सेकंड को मार रहा था। राजेश के दुकान के ठीक सामने सरयाम मेन चौराहे पर। और साहब ये घटना सत्य है? पूरे चौराहे के लोग देखे हैं? हाँ, पूरे चौराहे के लोग देखे हैं और ये लड़का एक शब्द नहीं बोला है और इसको बिल्कुल बिना किसी गलती का जो है मार के जो है गिरा दिए सब। और पुलिस को फोन करने के बाद पुलिस 2 घंटे बाद आई। इन्होंने बताया कि इनका पैसा भी छीन लिया गया, क्या ये सत्य है? नहीं, पैसे वाली बात तो हम नहीं जानते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले? मैं डॉक्टर संजय सिंह सोलंकी, मोहरा।